Now, structure of DNA. Structure of DNA was explained by Watson and Crick. DNA का structure explain किया Watson and Crick ने, इसीलिए इस structure को हम Watson and Crick model of DNA भी कहते हैं. In 1953, अब इन्होंने DNA का structure कैसे बताया? सबसे पहला point इन्होंने बताया कि DNA is a double helical structure. DNA का structure कैसा है? Double helical है. देखो, helical means होता है इस तरह से, spring like. ये एक हेलिक्स है, बट डीएनए कैसे डबल हेलिकल, तो यहाँ पे इस तरह से दूसरा हेलिक्स भी होता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. नाउ इस डायग्राम में देखो, डबल हेलिक्स, ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है. ठीक है, ये एक हेलिक्स, ये दूसरा हेलिक्स. तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल हेलिकल होता है. इसमें दो स्ट्रैंड, दो हेलिक्स मौजूद होते हैं. इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये एक हेलिक्स है, ये दूसरा हेलिक्स. फर्स्ट पॉइंट समझ आया. अब सेकंड पॉइंट क्या है? ईच हेलिक्स इज मेड अप ऑफ फोर टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड. जो एक सिंगल हेलिक्स है, ये किससे बना होगा? फोर डिफरेंट तरह के न्यूक्लियोटाइड से. नंबर वन है इसमें एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन. ये फोर डिफरेंट तरह के बेसिस, ये फोर डिफरेंट तरह के न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर ये हेलिक्स बना होगा. अगेन हम इस डायग्राम पे आएंगे. यहाँ पर देखो, ये एक स्ट्रैंड है, ये एक हेलिक्स है. ये किससे बना है? फोर डिफरेंट तरह के न्यूक्लियोटाइड से, जिसमें थायमिन है, ग्वेनिन है, साइटोसिन और एडिनिन है. इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये हेलिक्स है और ये फोर तरह के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, एडिनिन, थायमिन, ग्वेनिन और साइटोसिन. अब नेक्स्ट है एडिनिन पेयर विद थायमिन, साइटोसिन पेयर विद ग्वेनिन. देखो, यहाँ पे दो हेलिक्स है डीएनए में. इन दोनों हेलिक्स पे क्या है? नाइट्रोजीनस बेसिस हैं. यहाँ पर भी इसी तरह से नाइट्रोजीनस बेसिस मौजूद हैं. अब अगर एक स्ट्रैंड पे एडिनिन बेस है, तो एडिनिन बेस हमेशा पेयर करता है थायमिन के साथ, तो इसके सामने वाले स्ट्रैंड पे क्या होगा? लाजमी थायमिन होगा. इसी तरह से साइटोसिन हमेशा पेयर करता है ग्वानिन के साथ, तो अगर एक स्ट्रैंड पे साइटोसिन है, तो दूसरे स्ट्रैंड पे क्या होगा उसके सामने? ग्वानिन. अब अगर यहाँ पे थायमिन है, तो यहाँ पर क्या होगा? एडिनिन. पेयरिंग हमेशा एडिनिन और थायमिन की होगी, और साइटोसिन और ग्वानिन की होगी. अब इनके दरमियान बॉन्डिंग डेवलप होती है. ठीक है, जो बेसिस आमने सामने हैं, उनके दरमियान क्या होगा? केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा, तभी ये दोनों स्ट्रैंड एक साथ रहेंगे. अब ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. वो बॉन्ड जो दो नाइट्रोजिनस बेसिस के दरमियान, या हम कह सकते हैं कि दो स्ट्रैंड्स के दरमियान मौजूद है, वो कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है. यहाँ पर एक और पॉइंट ये है कि एडिनिन और थायमिन के दरमियान हमेशा डबल बॉन्ड होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है. ठीक है, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान, और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एडिनिन और थायमिन के दरमियान. इसको एक नमोनिक से याद रख सकते हो, कर 3 gods and 8 at 2 tables. सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइटोसिन को. 3 मतलब 3 बॉन्ड, जी ग्वानिन, ए एडिनिन, 2 डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और टी से थायमिन. नाउ इस डायग्राम को हम दोबारा देखेंगे. बेस पेयरिंग, ठीक है, देखो एडिनिन पेयर है किसके साथ? थायमिन के साथ. साइटोसिन पेयर है ग्वानिन के साथ, तो एडिनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन सा होगा? थायमिन. थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस एडिनिन. ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस साइटोसिन, और साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एडिनिन और थायमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और साइटोसिन ग्वानिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. इट मीन्स कि दोनों हेलिक्स कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री है आपस में. इसका क्या मतलब है? कि अगर एक हेलिक्स पे एडिनिन बेस होगा, तो उसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा? थायमिन होगा. और साइटोसिन है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? ग्वानिन. कॉम्प्लीमेंट्री हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैच को, कि अगर एडिनिन है, तो उसका स्ट्रॉन्ग मैच क्या है? थायमिन. इसी तरह से साइटोसिन का ग्वानिन. नेक्स्ट पॉइंट है, ईच हेलिक्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अपराइट मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फेट, और रंग्स जो कि बनता है नाइट्रोजिनस बेस से. नाउ इस डायग्राम में आ जाओ.
ये डीएनए का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ठीक है। इसका ये एक स्ट्रैंड, एक हेलिक्स, और ये इसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री हेलिक्स। पॉइंट में ये कहा गया है कि एक हेलिक्स के दो पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं अपराइट, जो कि बनता है शुगर से और फोस्फेट से। तो इसमें जो ग्रे कलर का पोर्शन है ये है अपराइट, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किससे बना है, राइबोस शुगर से और फोस्फेट से। जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये राइबोस शुगर है, और ये जो येलो कलर में पी लिखा है ये क्या है, फोस्फेट ग्रुप। ये फोस्फेट ग्रुप और शुगर मिलके डीएनए स्ट्रैंड का एक पोर्शन बना रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं अपराइट। इसे हम बैकबोन भी कहते हैं। जबकि दूसरा पार्ट है जिसे हम कहते हैं रंग्स। रंग्स बनाते हैं नाइट्रोजीनस बेसिस। तो यहाँ पर जो सेंट्रल पोर्शन है ये क्या है, ये रंग्स हैं। ये बन रहे हैं नाइट्रोजीनस बेसिस से। देखो डीएनए के स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करते हैं लैडर के स्ट्रक्चर से। जैसे लैडर में ये दो स्ट्रैंड्स हैं और यहाँ पर ये इस तरह से स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ये जो दो स्ट्रैंड्स है इसे हम कहते हैं अपराइट, और ये मिलके बनता है राइबोस शुगर और फोस्फेट से। जबकि जो ये स्टेप्स वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं रंग्स, और ये बनता है प्योर नाइट्रोजीनस बेसिस से। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू विच जिपिंग एंड अनजिपिंग ऑफ बोथ हेलिक्स अकर बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि डीएनए के जो दो हेलिक्स हैं, दो स्ट्रैंड्स हैं, ये एक साथ कैसे हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से ये दो स्ट्रैंड एक साथ हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड पे हमने पहले बात की कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है इन नाइट्रोजीनस बेसिस के दरमियान। ये जो ग्रे डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर है ये शो कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही ये दोनों स्ट्रैंड्स एक साथ हैं और सेपरेट नहीं हो रहे। अच्छा, अब अगर हमें इन दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना हो तो हमने क्या करना होगा, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाएंगे। बुक में वर्ड यूज़ हुआ है जिपिंग और अनजिप का। देखो जब हम जिप ओपन करते हैं तो उसके दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब हम इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, इसे हम कहेंगे अनजिप। और जब हम जिप क्लोज करेंगे तो उसके दोनों स्ट्रैंड्स एक साथ आ जाएंगे। इसी तरह से डीएनए के स्ट्रैंड्स में जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो ये दोनों स्ट्रैंड्स एक साथ आ जाएंगे, इसे हम कहेंगे जिपिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट है बोथ हेलिक्स आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। वन चेन रन फ्रॉम 5 to 3 एंड डाउनवर्ड, वेयर एज अदर चेन रन फ्रॉम 3 to 5 अपवर्ड। इस पॉइंट को समझो। देखो इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एक एंड 5 से 3 की तरफ होगा, एक 3 to 5 होगा। नाउ पहले हम ये समझेंगे कि 3 एंड और 5 एंड क्या है। देखो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, इसके एक एंड पे फोस्फेट ग्रुप है और उसके दूसरे एंड पे क्या है, ओएच ग्रुप है। तो स्ट्रैंड का वो एंड जिस पे फोस्फेट ग्रुप मौजूद होगा उस एंड को हम कहेंगे 5 एंड, और वो एंड जिस पे ओएच ग्रुप होगा वो 3 एंड होगा। अब डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होगा कि दोनों स्ट्रैंड्स ऑपोजिट होंगे, मतलब एक एंड अगर 5 to 3 है, एक हेलिक्स के स्टार्ट में फोस्फेट है तो दूसरे स्ट्रैंड के एंड में फोस्फेट होगा। फर्स्ट स्ट्रैंड के लास्ट में ओएच है तो दूसरे एंड के स्टार्ट में ओएच होगा, दूसरा स्ट्रैंड ओएच से स्टार्ट होगा। ये मतलब है 5 to 3 और 3 to 5 का, दोनों स्ट्रैंड्स कैसे हैं, ऑपोजिट हैं। नाउ सेकंड लास्ट पॉइंट है कि डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिक्स रिमेन्स सेम फ्रॉम वन एंड टू अनदर, दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। और लास्ट पॉइंट भी देख लो कि ईच टर्न ऑफ द ड्यूप्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर्स। अब इससे हम डायग्राम से समझते हैं। देखो जो दो स्ट्रैंड्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, और डिस्टेंस कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम। और हमने क्या पढ़ा कि एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होंगे, 10 बेस पेयर्स। यहाँ पर देखो ये एक टर्न बना हुआ है डीएनए का, ये एक कंप्लीट टर्न है। इसमें अगर हम देखें तो टोटल 10
बेस पेयर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो डीएनए के एक कंप्लीट टर्न में हमें 10 बेस पेयर्स मिलेंगे। नाउ अब एक बार हम डीएनए के तमाम पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस हेलिक्स का जो आउटर पोर्शन है, इसे हम कहते हैं अपराइट, जो कि बनता है शुगर और फॉस्फेट से, और जो सेंट्रल पोर्शन है ये बनता है पेयर्ड नाइट्रोजीनियस बेसिस से, जिसे हम कहते हैं रंग्स। 4 तरह के नाइट्रोजीनियस बेसिस डीएनए में मौजूद होते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। एडेनिन हमेशा पेयर करता है थायमिन के साथ विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, थायमिन पेयर करता है एडेनिन के साथ विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन पेयर करता है ग्वानिन के साथ, ग्वानिन पेयर करता है साइटोसिन के साथ विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हमने बात की कि डीएनए के स्ट्रैंड्स ऑपोजिट होते हैं डायरेक्शन में, एक 5-3 होगा, दूसरा स्ट्रैंड 3-5 डायरेक्शन में होगा। इसके अलावा हमने बात की कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के दरमियान 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है और एक कंप्लीट टर्न 34 एंगस्ट्रॉम का है। एक कंप्लीट टर्न में टोटल 10 पेयर्ड नाइट्रोजीनियस बेसिस मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोटाइड की क्लासिफिकेशन और डीएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब इस टॉपिक में हमारा रहता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और जीन एक्सप्रेशन।